विविध चुनावों की तैयारी और संगठन को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा के लिए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत 3 दिन के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से संवाद साधते हुए कहा कि नागपुर महाराष्ट्र की उपराजधानी है, इसीलिए विदर्भ में संगठन मजबूत करने के लिए नागपुर से शिव संपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसी के साथ ही उन्होंने विविध राजनीति से जुड़े मुद्दों पर पत्रकारों से संवाद साधा है। शिवसेना नेता संजय राउत नागपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की और विभिन्न सवालों के जवाब दिए। इसी दौरान शिवसेना भाजपा युति पर पत्रकारों द्वारा सवाल करने पर उन्होंने सवाल पर बोलते हुए कहा कि अब युति संभव नहीं, कहकर चुप्पी साधी। शिवसेना स्टैंड लेने से पीछे नहीं हटेगी। जिस तरह से हमने 25 साल साथ काम किया, इसे भूलकर बीजेपी अब बदले की भाव से राजनीति कर रही है। इसी के साथ ईडी के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियां केंद्र सरकार की कठपुतलियां बनी हैं। अधिकांश ईडी की कार्रवाइयां उन्हीं राज्यों में की जा रही है जहां भाजपा सत्ता में नहीं है, जैसे पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, यहाँ अधिकतर ईडी कार्रवाई की जा रही है। शिव संपर्क अभियान जो शिवसेना से शुरू होता है, त्यासाठी विदर्भ आणि मराठवाडा या दोन भागामध्ये शिवसेनेच्या सर्व खासदारांनी, प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी 4 दिवस जाऊन पत्रकारांशी खास करून संवाद साधावा, पदाधिकाऱ्यांशी संवाद साधावा यासाठी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जे उपक्रम राबवण्याच्या ज्या सूचना आहेत त्यानुसार मी नागपूरला आलो। माझ्या बाजूला कृपाल तुमाने आहेत, रामटेकचे खासदार, मुंबईचे खासदार राहुल शेवाळे आहेत, ते चाललेले आहेत गडचिरोली, राजन विचारे ठाण्याचे खासदार आता निघाले आहेत तिथून गोंदिया, संपूर्ण जिल्ह्यात मराठवाड्याच्या विदर्भाच्या आमचे खासदार जातील, काम करतील, संवाद साधतील। बाकी सगळे आमचे सगळे स्थानिक जे पदाधिकारी आहेत त्यांना लिखा ओळखतात। सुशील चतुर्वेदी जे आहेत, प्रमोद मानवे आहेत, महाराष्ट्रात विधानसभेचं अधिवेशन सुरू आहे, त्याच्यामुळे नागपूरचे सगळे प्रमुख नेते मुंबईला आहेत। पत्र परिषद के दौरान संजय राउत द्वारा शिव संपर्क अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा, शिवसेना सांसद विदर्भ मराठवाड़ा जाएंगे, इसका उद्देश्य यही है कि कार्यकर्ताओं से संवाद हो पाए। इस दौरान सांसद राहुल शेवाड़े, सांसद कृपाल तुमाने और शिवसेना के पदाधिकारी कार्यकर्ता इस दौरान उपस्थित थे। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News नागपुर।